एक बगीचा था, हरा भरा। वहां एक छोटी सी छिपकली रहती थी, उसका नाम था चंचल। चंचल को धूप में बैठना बहुत पसंद था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगीचे में पड़ती, चंचल अपने पसंदीदा पत्थर पर जाकर बैठ जाती। वह पत्थर बगीचे के बीचों बीच था, जहां से उसे चारों ओर का नजारा साफ दिखाई देता था। चंचल को धूप सेंकना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और सूरज की गर्मी को महसूस करती। उसे ऐसा लगता जैसे सूरज की किरणें उसे ऊर्जा दे रही हो। एक दिन जब चंचल धूप सेंक रही थी, अचानक उसे बहुत तेज भूख लगी। उसने सोचा, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। वह अपने पत्थर से उतरी और बगीचे में खाने की तलाश में निकल पड़ी। बगीचे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। चंचल ने एक छोटे से कीड़े को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह बहुत ध्यान से चल रही थी ताकि कीड़ा उसे देख न सके। जैसे ही वह कीड़े के पास पहुंची, उसने तेजी से अपनी जीभ निकाली और कीड़े को पकड़ लिया। चंचल ने कीड़े को खा लिया और उसकी भूख मिट गई। अब चंचल फिर से अपने पत्थर पर जाकर बैठ गई और धूप सेंकने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, धूप में बैठना और खाना ढूंढना दोनों ही बहुत मजेदार हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और बगीचे में शाम होने लगी। चंचल ने सोचा, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। वह अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी, जहां वह रात को आराम से सो सके। चंचल अपने घर पहुंची और आराम से सो गई। उसने सोचा, कल फिर से धूप में बैठूंगी और मजे करूंगी। इस तरह चंचल का दिन खत्म हुआ और वह मीठी नींद में सो गई। चंचल ने इधर उधर देखा। उसे एक सुंदर तितली दिखाई दी। तितली रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही थी। अरे वाह, कितनी सुंदर है यह तितली, काश मैं इसे पकड़ पाती, चंचल ने सोचा। चंचल एक छोटी सी छिपकली थी जो अपने घर से बाहर निकली थी। वह भूखी थी और कुछ खाने की तलाश में थी। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, शायद उसे कुछ खाने लायक मिल जाए। तभी उसकी नजर उस तितली पर पड़ी। तितली के पंखों के रंग उसे बहुत आकर्षक लगे। अगर मैं इसे पकड़ पाऊं तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन तितली बहुत फुर्तीली थी। वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। चंचल ने धीरे धीरे तितली की ओर बढ़ना शुरू किया। वह बहुत ध्यान से कदम रख रही थी ताकि तितली को उसकी आहट न सुनाई दे। जैसे ही वह तितली के करीब पहुंची, तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। चंचल ने निराश होकर सोचा, शायद मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। उसने फिर से इधर उधर देखना शुरू किया। उसे एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। चंचल ने तुरंत उस कीड़े की ओर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। अब उसकी भूख कुछ हद तक शांत हो गई थी। चंचल ने सोचा, आज का दिन अच्छा रहा, मुझे कुछ खाने को मिल गया, और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गई। चंचल धीरे धीरे तितली के पास गई। वह तितली को पकड़ना चाहती थी, लेकिन तितली बहुत तेज थी। वह उड़कर एक पत्ते पर जा बैठी। चंचल पत्ते पर चढ़ने लगी, लेकिन पत्ता बहुत चिकना था। चंचल नीचे गिर पड़ी। हाय, मैं तितली को कैसे पकड़ूं? उसने सोचा। चंचल ने हार नहीं मानी। उसे एक नया तरीका सूझा। वह धीरे से पत्ते के नीचे चिपक गई। अब वह तितली का इंतजार करने लगी। चंचल बहुत देर तक छिपकर बैठी रही। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसे जीतना है। अचानक तितली फिर से उस पत्ते पर आकर बैठ गई। चंचल ने मौका देखा और झट से कूद पड़ी। इस बार वह तितली को पकड़ने में कामयाब हो गई।
चंचल बहुत खुश थी। उसने तितली को खाया और अपना पेट भरा। चंचल ने हमें सिखाया कि अगर हम सब्र रखें और कोशिश करते रहें तो हम हमेशा जीत सकते हैं। चंचल एक छोटी सी छिपकली थी जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर चुकी थी। हर दिन वह अपने भोजन की तलाश में निकलती थी और हर दिन उसे निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। चंचल ने अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखा और सीखा कि कैसे अपने शिकार को पकड़ना है। उसने अपनी रणनीतियों को बदला, अपने दृष्टिकोण को सुधारा और हर बार जब वह असफल होती तो वह और भी मजबूत होकर वापस आती। एक दिन उसने एक सुंदर तितली को देखा। तितली बहुत तेज थी और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन चंचल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत और धैर्य का उपयोग किया और अंततः तितली को पकड़ लिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। चंचल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना।